जी शुक्रिया दोस्तों। दरअसल हम लोगों को इस समय अपना अपना काम करते हुए होना चाहिए था, मुझे अपना थीसिस लिखना चाहिए था, आप लोगों को अपना अपना जॉब करना चाहिए था, लेकिन आप लोग इतने महत्वपूर्ण समय में यहाँ पर इकट्ठा हैं, इसका ये मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि इतिहास के किस महत्वपूर्ण मोड़ पर आप लोग यहाँ पर हैं। और मैं ये कहूँगा कि भारत में इतिहास की जो धारा है, जो एक क्रांति आप कहें कि अभी इसी के लगभग एक किलोमीटर के दायरे में ये संविधान लिखा गया था, संविधान सभा के सारे सदस्य यहीं आसपास यहाँ पर, वो जो आजकल कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हॉस्टल है वहीं रहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर सारे लोग आसपास रहे और उन्होंने एक संविधान लिखा। मैं बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रतिक्रांति का दौर है, काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर है, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, वरना हम लोग पेशवाई के दौर में वापस जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। गंभीर समय इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है 16(4), जिसमें कहा गया है कि दो ही आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, दो ही बेस है और एक ही आर्टिकल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तीन लाइन है, पढ़ लीजिए, सीधा सीधा मामला, वो उसमें बैकवर्डनेस होनी चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, दो ही कैटेगरी है, तीसरा कोई, आप लोगों को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है 16(4) आर्टिकल, तीन लाइन का आर्टिकल है। अब ये बताइए कि सवर्ण जो है सोशली बैकवर्ड है, आप बताइए सोशली बैकवर्ड है, सामाजिक पिछड़ापन उनमें, मतलब उसका जो भिखारी भी है वो भी आशीर्वाद देता है, मतलब आप उसको रुपया देते हैं और वो भी यूं आशीर्वाद देता है, मतलब फटी धोती टूटी साइकिल, मतलब उसको हिंदी बोलने की तमीज नहीं, आपको आशीर्वाद देता है, आपका नाम बच्चे का नाम रखता है, आपके आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे का नाम उन्होंने रखे होंगे, इस शब्द से रख दो भला होगा, शादी ऐसे इस तारीख को करो नहीं टूटेगी, पता नहीं क्या क्या। अब सोशली बैकवर्डनेस नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, इस देश में सवर्ण अपनी आबादी से कम 4 गुना ज्यादा रिप्रेजेंटेड है, किसी ऑफिस में चले जाइए, यहाँ सारे ऑफिसेज हैं, सारे मिनिस्ट्रीज हैं, सारे मिनिस्ट्रीज का डाटा आरटीआई से निकला हुआ है, अपनी आबादी से कम 4 गुना रिप्रेजेंटेड है, दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, आपने उनको आरक्षण दे दिया, किस आधार पर दे दिया, क्या है क्या और कितनी है बड़ी, 6 तारीख को रात 11 बजे ड्राफ्ट लिखा जा रहा है, 7 बजे सुबह लोकसभा में वो 7 तारीख को वो पेश हो रहा है, 7 तारीख को पास किया जा रहा है, अगले दिन राज्यसभा में आ रहा है, राज्यसभा में पास हो रहा है, 12 तारीख होते तो राष्ट्रपति उसको अनुशंसा देते हैं, हो गया लागू हो गया, मतलब आप कल्पना कीजिए इतनी क्या है बड़ी भाई, आप उसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेज रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, जिस आर्टिकल को लिखने में और जिस संविधान को लिखने में 2 साल से ज्यादा समय लगाया देश के सारे विद्वानों ने, बाबा साहब ने मतलब रात 1-1, 2-2 बजे तक मेहनत की, उसको आपने मिनटों में यूं बदल दिया, आपके कैबिनेट के मंत्री को पता नहीं 8 तारीख को एक कैबिनेट मंत्री एक इसी सरकार के एक मंत्री संसद में जवाब दे रहे हैं एक प्रश्न के जवाब में कि अपर कास्ट के गरीबों को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है हमारे पास, जिस दिन वो पारित हो रहा है आप कल्पना कीजिए कि सरकार किससे छिपा रही है। तो ये जो प्रतिक्रांति का समय है, लगभग मैं इसकी तुलना करता हूं जो बौद्ध सम्राट 10वें बौद्ध सम्राट बृहद्रथ को मारकर जो पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में फिर से ब्राह्मणवाद की स्थापना की थी, लगभग वैसा समय है। 2015 में आपके तेजस्वी जी अली अनवर साहब आपके बिहार में जब वो कहते हैं मोहन भागवत कि हम संविधान को की समीक्षा करना चाहते हैं, कोशिश हुई थी पिछले बार भी वाजपेयी जी के समय में, उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट आई थी आप पढ़ के देखिए, मतलब ये संविधान से इनको बैर है, झगड़ा है, संविधान इनके मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए मेरे ख्याल से संविधान ने हमें 70 साल में क्या दिया नहीं दिया इस पर बात हो सकती है, शायद इसको और शानदार कुछ देना चाहिए था, लेकिन ये संविधान इस देश में मनुवादियों के रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है उनके रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा है, हमें अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी संजीदगी के साथ इस समय संविधान के पक्ष में खड़ा होना है, इस समय किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, किसी विचारधारा का मामला नहीं है, इस समय लेफ्ट राइट छोड़ देते हैं, थोड़े समय के रोक देते हैं कि ये मूल निवासीवादी है नहीं है, ये लेफ्ट है ये राइट है सेंटर है, छोड़ देते हैं, इस समय अगर आपकी आस्था इस देश के संविधान में है और आपको लगता है कि ये संविधान अगर है तो ये देश बचेगा, संविधान के बगैर तो ये देश नहीं था ना,
आज से 100 साल पहले अगर ये देश आजाद हुआ होता तो ये नक्शा नहीं था, कुछ और होता, पता नहीं कितने क्या कितने टुकड़े में होता। तो इस समय इस देश को बचाने का प्रश्न है, इस संविधान को बचाने का प्रश्न है, और ये देश अगर इस रूप में नहीं बचता है तो पता नहीं क्या होने वाला है। आप कल्पना कीजिए, जिसकी बात सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कितनी कितनी गंभीरता से कह रहे हैं कि ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, मतलब आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जिस समय इस देश का वंचित को ये लगेगा कि इस देश में ये जो संविधान है जिसको तोड़ मोड़ दिया गया और हमें फेल कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा नहीं कर रहा है, मतलब आप कल्पना कीजिए उस देश की। तो ये जो चीफ जस्टिस साहब हमें अलर्ट कर रहे हैं, उस स्थिति से अगर बचाना है, हम में से कोई नहीं चाहता है कि वो देश उस स्थिति में जाए जहां पर गृह युद्ध हो। तो अगर इसको बचाना है तो देश इस समय गलत लोगों के हाथ में है, संविधान विरोधियों के हाथ में है, संविधान बचाने का प्रश्न है। मैं रोस्टर पर इस समय बात नहीं कर रहा हूं, इस पर बात हो चुकी है। अगर रोस्टर लागू होता है तो इस देश में SC ST OBC पढ़ाने नहीं जाएगा, फिर से गुरुकुल सिस्टम आएगा और एकलव्य का अंगूठा फिर से काटा जाएगा। अगर आपको अपने एकलव्य का अंगूठा बचाना है, और देखिए एक टीचर इस समय आएगा वो अगले 30 साल तक रहेगा, और आप जानते हैं एम्पिरिकल डाटा है इसका कि अपर कास्ट का टीचर लोअर कास्ट के टीचर्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू और वाइवा में कम नंबर देता है। इस देश में RTI का डाटा है, आपको चाहिए तो मैं दे देता हूं, वो नहीं देते हैं नंबर पर्याप्त, वो अपमानित करते हैं। मेरे साथ के एक दो शेड्यूल कास्ट के बच्चे क्लास में घुसते थे तो टीचर कहता था 2 बैल आ गए, मतलब आप उसका ह्यूमिलिएशन सोचिए, मतलब वो बच्चा क्या पढ़ेगा क्या सोचेगा, मतलब इस ह्यूमिलिएशन से हमारे बच्चे अगले 30 साल तक ना गुजरे। अभी की नियुक्तियों का मामला है, और ये अगर इससे भर दिया, जो कि भर देंगे अगले 2 महीने में, तो अगले 30 साल के लिए पूरी यूनिवर्सिटीज फिक्स हो जाएंगी। जिस तरह आज 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शेड्यूल्ड कास्ट का एक वाइस चांसलर नहीं है, OBC का एक वाइस चांसलर नहीं है, ये सारी यूनिवर्सिटीज का क्लासरूम का स्ट्रक्चर बदल देंगे। और ये जो अब हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को एक बीच के समय में एक विंडो था, संविधान लागू हुआ और आपको मंडल कमीशन आता है, इस विंडो में हम सारे लोग घुस गए हैं, अब ये रास्ता रोका जा रहा है, रोकना अब इसको हम मुझे मेरे ख्याल से पूरी ताकत के साथ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी आपको लगता है कि तेजस्वी जी का भाषण मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, निकालिए अपना मोबाइल, रिकॉर्ड कीजिए भाषण, अपलोड कीजिए, 10 लाख लोगों तक आज आप अगले 1 घंटे में पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कौन रोक सकता है इसको, जो आपके आपके हाथ में टूल है, आप इन बातों को रखिए। और 31 तारीख को मुझे लगता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, मंडी हाउस से लेकर संसद मार्च तक, संसद भवन तक, उसमें शामिल होइए। और सीधा इस समय मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज उठा रहे थे कि SP क्या करे, BSP क्या करे, मुझे लगता है इसको छोड़ना चाहिए। इस समय हम भारत के नागरिक के तौर पर संविधान की रक्षा के अपने पवित्र दायित्व को पूरा करें, मेरे ख्याल से ये एजेंडा है, यही हमारे एकेडमिक्स का एजेंडा है, यही हमारे पॉलिटिक्स का एजेंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाकी लोगों को सुनते हैं।